हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैं बनाऊंगी आलू का भुजिया। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम आलू लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से पतले पतले शेप में काट लिया है। आलू काटते टाइम ध्यान ये रखना होता है कि हम जो आलू काट रहे हैं वो सारा आलू एक जैसा कटा हुआ होना चाहिए। अगर कोई बड़ा या कोई छोटा होगा तो जो आलू बड़ा होगा वो कड़ा रह जाएगा और जो छोटा होगा वो जल्दी गल जाएगा, जिससे कि हमारा भुजिया जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो जब आप आलू काट रहे हो भुजिया के लिए तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। ये मैंने आलू का जो छिलका है वो नहीं निकाला है, आप चाहें तो इसका छिलका निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी पचफोरन। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। पचफोरन को पकने देते हैं। पचफोरन पक गया है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। 500 ग्राम आलू लिया है मैंने। इसको भून के काट लिया है मैंने। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसको एक मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको भून लेती हूँ, जिससे कि ये जो आलू है इसका पानी सूख जाए। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। जब आलू का पानी अच्छे से सूख जाएगा तब मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि अगर अभी हम नमक डाल देंगे तो आलू पानी छोड़ देगा। तो पहले आलू का पानी सुखा लेते हैं। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। आलू का पानी सूख गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक हम इसमें स्वादानुसार डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, इसको मिला लेते हैं। इसको फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे और अभी इसको हम ढकेंगे नहीं। एक मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे इसको भून लिया है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन। 6 लहसुन को मैंने कूट लिया है। आप चाहें तो लहसुन को पीस के भी डाल सकते हैं इसमें। मैं इसमें लहसुन डालूंगी। आलू के भुजिया में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको भुजिया के साथ प्याज पसंद है तो जब आप आलू का भुजिया बना रहे हैं तब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इसमें आलू डालते हैं आप आलू के साथ ही इसमें प्याज को डाल दें। इससे जो प्याज है वो जलेगा नहीं, क्योंकि जब हम आलू को भूजते हैं तो अगर प्याज पहले डाल देंगे तो प्याज पहले भी भुजा जाता है और आलू के साथ भूजते टाइम जो है वो प्याज जल जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें अगर आप आलू का भुजिया बना रहे हैं तो।
शुरू में मैंने इसमें एक चम्मच ही तेल डाला था, तो एक चम्मच तेल अब मैं इसमें और डाल देती हूँ। भुजिया है तो इसमें मैं मसाले का यूज कम कर रही हूँ। इसको मिला लेंगे। अब मैं इसको ढक देती हूँ। ढक के इसे 5 मिनट तक पकाना है और हम बीच में एक बार या दो बार इसको चेक भी कर लेंगे, जिससे कि जो ये हमारा भुजिया है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ। पांच मिनट हो गया है, अब मैं ढक्कन को हटा देती हूँ। 5 मिनट तक मैंने इसको ढक के पका लिया है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो भुजिया है ये आप अगर इस तरीके से दबा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा भुजिया है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको नहीं ढकेंगे, हम भुजिया बना रहे हैं तो हमें इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको बिना ढके ही 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेते हैं। भुजिया को चलाते टाइम हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम इसको हल्के हाथों से चलाएं, जिससे कि ये भुजिया जो है ये टूटे नहीं। 5 मिनट हो गया है, इसको मैंने अच्छे से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। मैं जीरा पाउडर लास्ट में डाल रही हूँ क्योंकि मैं भुना हुआ जीरा पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आप मार्केट वाला पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप इसको तभी डालें जब आपने इसमें धनिया पाउडर डाला था। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर लास्ट में डालते हैं तो ये जो मिर्च पाउडर है ये जलेगा नहीं और आपको झांस भी नहीं लगेगा। तो ये मिर्च पाउडर को और जीरा पाउडर को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती, इसको भी मिला लेते हैं। इसको मैंने शुरू में ही 1 या 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भुना था, बाकी मैंने इसको जितनी देर भी बनाया है या भुना है तो इसको मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है। तो ये भुजिया बनके रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सारा भुजिया जो है अच्छे से गल चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।